वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो इसे रोक दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हमको जो खबर मिल रही है कि अभी भी ये अभियान वहाँ पे चल रहा है। हमने नोटिस भेजा है वहाँ के जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को कि इसे फौरी तौर पर रोका जाए, लेकिन इसे अभी तक ये पता चल रहा है कि ये रोका नहीं जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे मौके के ऊपर एक डिमोलिशन एक डिफरेंट इशू है, और अगर डिमोलिशन करना है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, उसके मुताबिक होना चाहिए ये जब भी उनको करना था। लेकिन ये उस वक्त जबकि ये राइट की कंडीशन शुरू हुई और उसमें आप इस तरह से करेंगे तो आप तो जो राइटर्स हैं उनका साथ दे रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। मैं इस वक्त फौरी तौर पर ये अपील करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर से, ख़ास तौर से, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो उन्हीं के अंडर में है और DDA भी उन्हीं के अंदर में है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी उन्हीं का राज है, तो उनको फौरी तौर पर इंटरवीन करना चाहिए कि इसे रोकना चाहिए। इस तरीके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी इसे करते जारी रखना, ये तो डायरेक्टली सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो है अपमान है। पिछले शनिवार को जो दुर्घटना घटी थी उसकी जांच चल रही है, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, अभी उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है और इमैच्योर और प्रीमैच्योर होगा। आज जहां तक इंक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट की बात है वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से इंश्योर किया है, कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था कायम है यहाँ, और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है।